पांच ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी, चाहे वो टर्म ले चाहे हेल्थ ले, एक ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जब भी इंश्योरेंस से डील करते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो जरूर करते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको जानना, पहचानना और समझना, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें, बहुत ही जरूरी है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और चलिए आज ऐसे कुछ पांच खुलासे कर देते हैं, ऐसी पांच चीजें समझ लेते हैं जो अगर आपने इंश्योरेंस में ध्यान रख ली तो इंश्योरेंस में एटलीस्ट आप कोई बड़ी मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है कि इंश्योरेंस में हमें पता है टर्म इंश्योरेंस लेना है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। टर्म और हेल्थ लेते लेते कहीं ना कहीं आपको चिपक जाता है यूलिप। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी यूलिप ले लिया होगा गलती से, या फिर आने वाले समय में ले चुके हो। अगर आपने अभी तक यूलिप प्लान में गलती से ले लिया है या आपको किसी ने चिपका दिया है, कमेंट करके बताइए कौन सा यूलिप प्लान आपको चिपक गया था और किसने चिपकाया था, ताकि एटलीस्ट सबको पता तो चले कि यूलिप प्लान एक्चुअली अच्छा नहीं होता है। इसमें एक चीज समझिए, यूलिप आपको क्या बोल के बेचा जाता है कि ये इंश्योरेंस वाला म्यूचुअल फंड है, इसमें इंश्योरेंस फ्री आता है और म्यूचुअल फंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बोला जाता है ये भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो क्यों ना आप म्यूचुअल फंड की जगह यूलिप ले लो। यूलिप में टोटल 8 टाइप के चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से यूलिप बहुत कॉस्टली हो जाता है और अननेसेसरी आपकी कॉस्ट बढ़ाता है। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कभी भी यूलिप वाले इंश्योरेंस में ना फंस जाए। अगर कोई आपको यूलिप रिकमेंड भी कर रहा है ना, उसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि या तो उसको नॉलेज नहीं है, दूसरा वो आपका वैल्यूएशन नहीं है। दोनों ही सिनेरियो में ये आपके लिए बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है, और हमें यूलिप प्लान से और यूलिप बेचने वालों से दोनों से बच के रहना है। यूलिप का डिटेल डिस्कशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले मैं दे चुका हूं, वो वीडियो में ऊपर आई बटन पर रखूंगा, जिसमें डिटेल वर्किंग दी है क्यों यूलिप्स में ना तो इन्वेस्टमेंट हो पाता है ना इंश्योरेंस हो पाता है। काफी पुराना वीडियो है, बट एकदम पिन पॉइंट करके आपको यूलिप की और डिटेल्स पता लगाता है। बट अगर आप अभी तक समझ चुके हैं कि आपको यूलिप नहीं लेनी, तो ये आपका सबसे पहली बड़ी मिस्टेक होने से आप बच चुके हैं, इस चीज का मेक श्योर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट और सेकंड मिस्टेक क्या होती है, हमने आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बता दिया, एंड वी आर रिकमेंडिंग कि आपको HDFC में करना चाहिए। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, कई बार एजेंट्स आपके पेरेंट्स को भी आपके फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड कराने की बात करते हैं। एक चीज समझिए, फैमिली फ्लोटर का क्या प्रीमियम आएगा वो डिसाइड होता है कि आपके फैमिली फ्लोटर में जो सबसे एल्डरली बंदा है, मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा है, उसकी क्या एज है, उसके बेसिस में फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम डिसाइड होता है। मेक श्योर कीजिए कि आपके फैमिली फ्लोटर में आप हो, आपकी वाइफ हो और आपके बच्चे हो। आपके जो एल्डरली पेरेंट्स है उनके लिए कभी भी फैमिली फ्लोटर सेम मत रखिए, उनके लिए सेपरेट प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का लीजिए। अगर आपने उनको अननेसेसरी अपने प्लान में इंक्लूड किया ना, सो आप चारों लोगों का, मतलब आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ और आपके एल्डरली पेरेंट्स, सभी का प्रीमियम एल्डरली पेरेंट्स के प्रीमियम से काउंट किया जाएगा, और मेक श्योर किया जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना हो। कई बार क्या होता है, ऐसे एजेंट्स होते हैं, देखिए मैं उन एजेंट्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं जो अपना अच्छे से काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं और सभी इन्वेस्टर्स को राइट एडवाइस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेहनत कर रहा है और प्रॉपर एडवाइस दे रहा है, उस इंश्योरेंस एजेंट्स के मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इन्वेस्टर्स का लॉस कराते हैं, उनके मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूं। और हमारी ये यूट्यूब चैनल का काम ही यही है कि असली सच आपके सामने रखे। सो हमें हमेशा मेक श्योर करना है, जब भी हम फैमिली फ्लोटर ले, कभी भी अपने एल्डरली पेरेंट्स को अपने साथ इंक्लूड मत कीजिएगा। ये हुआ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप लेते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेने में काफी सारे प्लान्स हैं। जैसे HDFC से जब आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं ना, आपको 5,000 रुपीज का रिफंड मिलता है जैसे ही आपकी 10 लाख के ऊपर की पॉलिसी होती है। कुछ नॉर्मल सी टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि रिफंड आप ले। काफी बार आपको ये बताया ही नहीं जाता, क्योंकि आपके एजेंट को लगता है कि यार उसको मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिफंड दिलाने में। कोई मेहनत नहीं लगती, नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर आपको ये चीज पता है कि आपके प्लान में रिफंड मिल सकता है, तो वो रिफंड लीजिए। 5,000 रुपीज पर एनम तक का रिफंड HDFC के प्लान पर अगर 10 लाख का है तो मिलता है। अकॉर्डिंगली हर एक कैटर के और हर एक प्लान में अलग अलग रिफंड हो सकते हैं। अगर आपके प्लान में भी, आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने HDFC का ले रखा होगा, सो अगर HDFC का है, उसमें तो मैंने आपको अपफ्रंटली बता दिया कि आपको रिफंड मिलता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके प्लान में अगर कोई रिफंड मिलता है,
अगर थोड़ी सी मेहनत आपके एजेंट्स को करनी पड़े जिसके लिए उसको कमीशन से मिल रहे हैं, वी आर ओके अगर उनको कमीशन मिल रहा है प्रोवाइडेड वो प्रॉपर आपके लिए सर्विस दे। अगर आपको रिफंड मिल सकता है तो इसको क्लेम कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी फायदा है बट जब छोटा छोटा अगर अननेसेसरी पैसा हम बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बता देता हूं जिसके बेसिस पे ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। रिसेंटली हमारे पास दो ऐसे केस आए जिन्होंने ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया था बट जिस एजेंट ने, जिस टेलीकॉलर ने उनको इंश्योरेंस बेचा था उसकी छोटी सी गलती, वो गलती क्या थी मैं वो भी बताऊंगा, उन्होंने कुछ डेटा फिलिंग में गलती कर दी थी। आपने मुझे राम बोला, मैंने श्याम लिख दिया या एक्स वाई जेड, ऐसी कुछ डेटा फिलिंग की गलती करी जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट ढंग से समझिए, देखिए आप चाहे फिजिकल ले चाहे ऑनलाइन ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें कई बार लगता है कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे, आप उस पर बात कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे टर्म से रिलेटेड हो, आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एट टाइम्स आपको ऑनलाइन से सस्ता आपको ऑफलाइन या फिर हम लोग भी प्रोवाइड कर पाएंगे, आप बात कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। अगर नहीं भी इच्छा तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे फिजिकल ले, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक कीजिए, मेक श्योर कीजिए आपका कोई भी एजेंट हो, चाहे आपने नीचे हेल्पलाइन नंबर से भी बात करके हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लिया हो, मेक श्योर कीजिए हमेशा डॉक्यूमेंटेशन खुद भी चेक कीजिए। वी आर स्पेशली मेकिंग श्योर कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से बात कर रहा है और उससे ले रहा है तो हम टेक केयर करें, बट स्टिल ये जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे फिजिकल ले या किसी भी एजेंट से ले, एक बार हेल्थ या टर्म के प्लान के डॉक्यूमेंटेशन को चेक कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके नॉमिनी का नाम होना चाहिए प्रीति, जो आपकी वाइफ है, बट उसकी जगह आपने गलती से परीति लिख दिया, स्पेलिंग में गलती की, उसको क्लेम के समय बहुत दिक्कत आएगी। मेक श्योर कीजिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन खुद घर पे एक बार खुद शांति से चेक कीजिए, उसके बाद ही अप्रूव कीजिए। इसमें अगर एक दो दिन का डिले हो रहा है करने से मत डरिए। अब इससे पहले कि हम फिफ्थ पॉइंट पे चले, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिए। साथ ही चाहे हमारे लिए टर्म हो, हेल्थ हो, म्यूचुअल फंड्स हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, गोल प्लानिंग हो या किसी भी प्रकार की सर्विसेज आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको दे, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। और साथ ही साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुला है और प्राइवेट ग्रुप का जिसमें हम काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट देते हैं नहीं बने हैं पार्ट, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स हैं और कैसे आप प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं वो भी डिटेल में समझा रखा है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पता सभी को है बट हम अप्लाई नहीं कर पाते। ये पॉइंट स्पेशली रेलेवेंट हो जाता है टर्म इंश्योरेंस के समय। जब आप ऑनलाइन बाय करते हैं ना, हम देखते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे सस्ते को सबसे अच्छा मान लेते हैं, चाहे हेल्थ हो चाहे टर्म हो। सस्ते के साथ मत जाइए, जो अच्छा इंश्योरेंस प्लान है उसी के साथ रहिए। इंश्योरेंस हम लेते ही क्यों है, ताकि देखिए टर्म हम लेते हैं ताकि जब आप इस दुनिया में न रहो आपकी फैमिली को सपोर्ट मिले। हेल्थ आप इसलिए लेते हो कि जब आप बिस्तर पे हो, आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं हो, आपको दिक्कतें आ रही हो, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सपोर्ट करे। और कई बार आपके 500, 50, 200, 300 रुपए बचाए हुए पैसे कई बार भारी पड़ जाते हैं और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सस्ते के साथ कभी मत जाइएगा टर्म इंश्योरेंस। मैंने बहुत सारे प्लान्स आपको पहले भी बताए जो सस्ते हैं बट अच्छे नहीं है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, चाहे वो मैक्स का हो चाहे फिर वो बजाज का हो, ऐसे ही करके काफी सारे, चाहे वो SBI का हो, सभी सस्ते प्लान अच्छे होते नहीं। अगर किसी में कोई दिक्कत है 1% भी, व्हेनेवर इन डाउट स्टे आउट एंड चूज समथिंग एल्स। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन शेयर मार्केट एंड मोर इंपॉर्टेंट इन इंश्योरेंस, ताकि आप कभी कोई गलत इंश्योरेंस आप तक नहीं पहुंच जाए। सस्ता लेने के पीछे मत भागेगा। मैं देखता हूं काफी लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा, वो बाय कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी। मेक श्योर कीजिए कि आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और बेस्ट टर्म इंश्योरेंस वाला वीडियो लीजिए, देखिए उसको प्रॉपरली, मेक श्योर कीजिए कि आप वो वीडियो से प्रॉपर नॉलेज ले ले। साथ ही अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे, नहीं बिना इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आपको और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।